नमस्ते बच्चों। तो बच्चों आज हम हमारे हिंदी विषय के जो दूसरी इकाई का जो पहला चित्रपाठ है उस चित्रपाठ के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। जैसे कि पहली इकाई में भी हमने जो पहला जो चित्रपाठ देखा था वो था आओ खेले, बराबर, जो चार मैदानी खेल थे उन खेलों के बारे में हमने चित्रपाठ के जरिए अच्छी तरह से अध्ययन किया था। या फिर जो नंदनवन, ये भी चित्रपाठ था, इसके बारे में भी हमने पहले इकाई में अच्छी तरह से अध्ययन किया है। तो आज हम हमारे जो कक्षा पांचवी का जो हमारे हिंदी सुलभ भारती इस पाठ्य पुस्तक में से जो दूसरी इकाई में जो पहला ही चित्रपाठ है जिसका नाम है गांव और शहर, तो इस चित्रपाठ का गांव और शहर इस चित्रपाठ के जरिए हम गांव और शहर में क्या अंतर होता है, क्या फर्क होता है, यह एक चित्र के माध्यम से आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो इससे पहले आपने सीखा है कि चित्र देखकर चित्र का निरीक्षण किस तरह से करना है, चित्रों को देखकर वाक्य किस तरह से बनाने हैं, इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी भी है। तो आज हम हमारे जो दूसरी इकाई का जो पहला ही चित्रपाठ है जिसका नाम है गांव और शहर। तो देखो बच्चों, आप सभी को तो मालूम है कि गांव और शहर का जो माहौल होता है, यानी वहां का जो वातावरण होता है, वहां का जो रहन सहन जो होता है, गांव और शहर दोनों का रहन सहन बिल्कुल ही अलग होता है। गांव और शहर के लोगों का रहन सहन हो या वहां के लोगों का खान पान हो, उनका भेष यानी उनके कपड़ों का पहनना या फिर उनकी बोलचाल की भाषा हो, आदि सब बातों में कितना फर्क होता है यह तो आपको मालूम ही। गांव के लोगों का रहने का तौर तरीका अलग से होता है और शहर के लोगों का रहने का तौर तरीका अलग से होता है, तो ये किस तरह से होता है यही आज हम हमारे इस चित्रपाठ के जरिए अध्ययन करने वाले हैं। सभी छात्र अपने अपनी किताबें निकालो, किताबें खोलो और किताब में जो पन्ना नंबर 26 और 27 पर जो चित्रपाठ दिखाया गया है उसके ओर अच्छी तरह से ध्यान दो, यानी उस चित्रपाट का अच्छी तरह से निरीक्षण करो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि चित्र में क्या क्या दिखाई दिया गया है, चित्र में क्या क्या है, ये तो हम अच्छी तरह से अध्ययन करने ही वाले हैं। गांव और शहर में किस तरह से अंतर होता है ये भी हम समझकर लेने ही वाले हैं। आपको इन चित्रों के जरिए वाक्य को कैसे बनाना होता है यह आपको समझना और पहचानना आवश्यक होता है। हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक में भी गांव और शहर में किस तरह से अंतर होता है यह चित्रपाठ के माध्यम से प्रस्तुत किया ही है। तो आज हम हमारे हिंदी के जो पाठ्य पुस्तक है सुलभ भारती इस पाठ्य पुस्तक में जो दूसरी इकाई का पहला जो चित्रपाठ है गांव और शहर, इस चित्रपाठ के जरिए आज हम अच्छी तरह से अध्ययन करने वाले हैं। तो सभी छात्र अपने अपनी किताबें खोलकर अपने पास रखो और इस चित्रपाठ का निरीक्षण करो, चित्र देखकर वाक्य किस तरह से बनाए जाते हैं और इसका अध्ययन किस तरह से हम कर सकते हैं इसका आज हम पढ़ाई अच्छी तरह से करने वाले हैं। आपको निबंध के रूप में मेरा गांव ऐसा आपको विषय भी दिया जाता है। देखो पहले भाग में हमने मेरा गांव इस निबंध का हमने लेखन भी किया है और आपने अच्छी तरह से वो समझकर भी लिखा होगा। तो आज हम इसी चित्रपाठ के जरिए वाक्य कैसे बनाते हैं, गांव और शहर में क्या क्या अंतर होता है यह हम चित्रों के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं, ठीक है। देखो छात्रों, हमारे पांचवी कक्षा की
जो हिंदी सुलभ भारती इस पाठ्य पुस्तक में दूसरी इकाई में जो पहला चित्रपाठ है जिसका नाम है गांव और शहर, तो पन्ना नंबर 26 पर गांव का दृश्य दिखाया गया है और पन्ना नंबर 27 पर शहर का दृश्य दिखाया गया है। तो आप अगर इन दोनों चित्रों की ओर अच्छी तरह से ध्यान से निरीक्षण करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि गांव का माहौल यानी गांव का वातावरण और शहर का वातावरण इनमें किस तरह से भिन्नता होती है। यानी गांव का माहौल जो होता है वह अलग प्रकार का होता है और शहर का जो माहौल होता है वो अलग प्रकार का होता है। तो आज हम इन दोनों चित्रों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी लेने वाले हैं। तो जिस तरह से मैं पहले गांव के बारे में आपको जो जानकारी देने वाला हूं, तो चित्र देखकर वाक्यों को किस तरह से लिखना है यह समझकर लेना है और आपको अपनी कापियों में जिस तरह से मैं वाक्य बता रहा हूं उसी तरह से आपको वाक्य बनाकर आपकी कापियों में आपको लिखना है। ठीक है छात्रों, तो देखिए पहले हम गांव के बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले लेते हैं। तो यह जो चित्र है यह एक प्रगतिशील गांव का चित्र है, यानी यह एक प्रगतिशील गांव का दृश्य दिखाया गया है। गांव में एक विद्यालय भी है जिसका नाम है समता विद्यालय। विद्यालय का मैदान बड़ा ही साफ सुथरा है। विद्यालय के पास शौचालय भी बनाया गया है। छात्रों की स्वच्छता की ओर ध्यान में रखकर पाठशाला में शौचालय बनाया गया है। तो पाठशाला यानी उसे हम क्या कहते हैं, विद्यालय। तो पाठशाला यह विद्यालय का समानार्थी शब्द है, यह तो हमने देखा ही है। आगे देखिए, विद्यालय के मैदान में 4 छात्र खेल रहे हैं और 5 छात्र विद्यालय की ओर जा रहे हैं। गांव में जगह जगह पेड़ और पौधे लगाए गए हैं जिससे गांव का वातावरण जो है वह स्वच्छ और शुद्ध होता है। गांव के लोग ज्यादातर घरों में ही रहते हैं। गांव में बिजली की व्यवस्था भी की गई है। देखो जो बिजली के बड़े बड़े टावर जो है इनकी मदद से गांव में बिजली प्रदान की जाती है, यानी बिजली पहुंचाई जाती है। और यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर देखो और यहां पर सोलर ऊर्जा से चलाने वाले बिजली के खंभे भी यहां पे बनाए गए हैं। तो देखो एक दृष्टि से विज्ञान के युग में गांव में भी एक प्रगति एक उन्नति होती जा रही है। गांव में गंदगी ना फैले इसलिए जगह जगह पर कूड़ेदान की व्यवस्था भी की गई है जिससे जो गांव का कचरा होता है वह इस कूड़ेदान में वह डाल सके। आगे देखिए, गांव के लोगों को पानी की व्यवस्था के लिए कुआं भी बनाया गया है। कुछ महिलाएं कुएं से पानी भरकर सर पर घड़ा लेकर अपने घर जा रही है। एक आदमी साइकिल से काम पर जा रहा है तो एक छोटा लड़का रबड़ की टायर से खेल हाथ में लकड़ी का डंडा लिए खेल रहा है। गांव में ज्यादातर लोग पालतू जानवर भी पालते हैं जैसे कि बकरी गाय भैंस मुर्गी कुत्ता आदि जानवर गांव के लोग पालते हैं। गांव में ज्यादातर लोग खेती का व्यवसाय करते हैं यानी खेती करते हैं। एक किसान
अपने खेत में ट्रैक्टर से खेत को जोत रहा है। एक महिला जो है वह अपने घर के आंगन में बैठकर अनाज साफ कर रही है, तो एक महिला बर्तन मांज रही है, तो और कुछ एक महिला है जो धूप में पापड़ सुखा रही है, और एक महिला जो चारपाई पर बैठकर अपनी बेटी को खाना खिला रही है। एक आदमी और एक औरत अपने बच्चों के साथ कहीं पर जा रहे हैं। वहां पर बैलगाड़ी भी रखी गई है। देखो बैलगाड़ी को हम क्या कहते हैं, छकड़ा भी कहते हैं, यह तो हमने समानार्थी शब्द में देखा ही है। तो यह एक स्वच्छ और सुंदर गांव का दृश्य दिखाया गया है। तो जिस तरह से आपने इस चित्र के बारे में अच्छी तरह से निरीक्षण कर किया तो किया ही है, और जिस तरह से मैंने आपको इन गांव के बारे में जो भी वाक्य बताए हैं, कुछ इस तरह से भी वाक्य आप अपनी कापियों में लिख सकते हैं, ठीक है। चलो हम आगे देखते हैं कि शहर का माहौल यानी शहर का वातावरण किस तरह से होता है। तो देखो यह भी एक प्रगतिशील शहर का दृश्य दिखाया गया है। आपको तो मालूम है कि शहर में कितनी भीड़ होती है, तो शहर में जो लोग बड़ी बड़ी इमारतों में रहते हैं, शहर में तो बहुत ऊंची ऊंची इमारतें होते हैं, इमारतों के ऊपर पानी की टंकी, टीवी टॉवर्स भी लगाए गए हैं। शहर में बड़े और साफ सुथरे सड़क भी बनाए गए हैं। शहर में वाहनों की संख्या अधिकतम होती है और इसी के कारण सड़कों पर ट्रैफिक सिग्नल्स भी बनाए गए हैं। देखो आपको तो मालूम है कि शहर में ज़्यादातर वाहनों की संख्या अधिक होने के कारण भीड़ बहुत होती है, वाहनों की भीड़ बहुत होती है, तो इसको नियंत्रण रखने का काम ये ट्रैफिक सिग्नल्स करते हैं। इसके बारे में तो आपको अच्छी तरह से जानकारी होगी, तो कुछ छात्र शहर में रहते हैं तो उन्हें मालूम होगा कि वाहनों को नियंत्रण करने के लिए ट्रैफिक सिग्नल बनाए जाते हैं। शहर में बड़े बड़े ब्रिज भी बनाए गए हैं जिसके ऊपर से वाहनों को जाने आने के लिए मार्ग यानी रास्ते भी बनाए गए हैं। लोगों को सड़क के बाजू से चलने के लिए देखो यहाँ पे फुटपाथ भी बनाए गए हैं, और लोगों को सड़क पार कराने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग जैसी सुविधा भी बनाई गई है। देखो इसे कहते हैं जेब्रा क्रॉसिंग, जो रास्ते में जो सफेद पट्टियां दिखती है इसे ही हम जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। इसकी मदद से हम रास्ता पार कर सकते हैं। शहर में सड़क के किनारे देखो यहाँ पे बिजली के खंभे भी बनाए गए हैं। शहर में लोगों को यातायात की सुविधा के लिए बस, कार, रिक्शा, टेम्पो आदि वाहनों की व्यवस्था भी होती है। शहर में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स होते हैं। शहर के बराबर चौराहे के बीच में पानी का फव्वारा भी लगाया हुआ है जो रास्ते की सुंदरता को बढ़ाने का काम इस फव्वारे ने किया है। तो इस तरह से शहर में विकास होता है। यह एक प्रगतिशील शहर का एक दृश्य दिखाया गया है। तो अच्छी तरह से शहर के चित्र का निरीक्षण कीजिए। तो जिस तरह से मैंने भी आपको शहर के बारे में जो वाक्य बताए हैं, तो यह वाक्य आप अपनी कापियों में लिख सकते हैं। और जो मैंने आपको कहा था कि कुछ उद्घोष भी लिखे हुए हैं, यानी आप उसे अंग्रेजी में स्लोगन्स कहते हैं, जैसे देखो शुद्ध हवा पानी का तंत्र स्वस्थ जीवन का मंत्र, उसके बाद स्वच्छ नगर सुंदर नगर, नगर यानी उसे समानार्थी शब्द है शहर, और आगे है
अनुशासन के साथ देश का विकास। तो इस तरह से जो स्लोगन्स हैं, इन स्लोगन्स को भी, इन उद्घोष को भी आपको अपनी कॉपियों में लिखकर लेना जरूरी है। जैसे गांव शहर की प्रगति, देश की उन्नति। देखो, अगर गांव और शहर की प्रगति होती है तो इसके साथ साथ हमारे देश की प्रगति भी होने लगती है। देखो, स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम, ग्राम यानी गांव। अगर गांव स्वच्छ होगा तो वहां के लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और गांव भी अच्छा स्वस्थ रहेगा। तो इस तरह से जो गांव और शहर के जो चित्र दिखाया गया है, तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको गांव और शहर इस चित्र पाठ के माध्यम से गांव किस तरह प्रगतिशील बनता जा रहा है और शहर किस तरह से विकसनशील प्रगतिशील बनता जा रहा है होता है, यह दोनों में किस तरह अंतर होता है, किस तरह फर्क होता है, यह तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा। तो आप अपनी कापियों में गांव और शहर का चित्र का निरीक्षण करके इस तरह से वाक्य लिखिए, ठीक है। तो बच्चों, समझ कर लिया आपने कि चित्र पाठ के जरिए वाक्य कैसे निर्माण कर हम कर सकते हैं। जिस तरह से हमने हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक में जो हमारा पहला जो चित्र पाठ था गांव और शहर, तो इन चित्रों के माध्यम से चित्र देखकर, चित्र का निरीक्षण कर वाक्य किस तरह से लिखे जाते हैं, ये तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा। तो आपको अपनी कापियों में गांव और शहर में जो चित्र दिखाया गया है, इस चित्र के जरिए आपको जितने ज्यादा से ज्यादा वाक्य लिखने के लिए आएंगे, वो आपको वाक्य इस चित्र का निरीक्षण करके लिखना होगा। और साथ ही जो हमने इस चित्र पाठ के जो शब्दार्थ है, देखो शब्दार्थ जो है प्रगति यानी उसके लिए समानार्थी शब्द है, ये सब समानार्थ वाले शब्द है, ये भी हमें परीक्षा के लिए उपयोगी होते हैं। तो प्रगति यानी तरक्की, कूड़ादान यानी उसे हम कचरा पेटी भी कहते हैं, स्वच्छ यानी क्या साफ, स्वस्थ यानी तंदुरुस्त, बैलगाड़ी यानी उसे दूसरा एक हिंदी में नाम है उसका समानार्थी शब्द है छकड़ा, उन्नति यानी विकास, विद्यालय यानी पाठशाला। तो इन समानार्थ वाले शब्दों को आप अपनी कापियों में लिख कर लीजिए। और साथ ही जो उद्घोष आए हैं इस चित्रपाट में, हमने जो उद्घोष देखे हैं, जो देखो उसे आप अंग्रेजी में स्लोगन्स भी कहते हैं, जो ये उद्घोष है, ऐसे उद्घोष कम से कम और 10 उद्घोष ऐसे आपको लिखना आवश्यक है, ठीक है। आप इंटरनेट की मदद से, अंतरजाल की मदद से ऐसे उद्घोष पा सकते हैं। तो आपको इसी तरह से उद्घोष अपनी कापियों में लिखकर लेना है। जैसे देखो, गांव शहर की प्रगति, देश की उन्नति। देखो, गांव शहर की प्रगति, देश की उन्नति। प्रगति यानी क्या? तरक्की। उन्नति यानी विकास। ये तो हमने समानार्थी शब्द में देखा ही है। दूसरा जो उद्घोष है, देखो, स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम। तो ग्राम यानी क्या? गांव। अगर स्वच्छ गांव होगा तो हमारी जो सेहत है, हमारा जो स्वास्थ्य है, वो भी अच्छी तरह से हो जाएगा। आगे देखिए, शुद्ध हवा पानी का तंत्र, स्वस्थ जीवन का मंत्र। तो ऐसे जो उद्घोष है, ऐसे उद्घोष को और आप अपनी कापियों में लिखकर लीजिए और इस चित्रपाठ के बारे में अच्छी तरह से निरीक्षण करके उनके वाक्य अपनी कापियों में लिखिए, ठीक है। धन्यवाद।